मैं ओम प्रकाश यादव, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। और आज लाइट हाउस प्रोजेक्ट पे ब्लॉक डी में क्या प्रोग्रेस है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए, ब्लॉक डी में प्लिंथ बीम की टोटल कास्टिंग हो चुकी है। ये है ब्लॉक डी आपका। ब्लॉक डी में पूरा प्लिंथ बीम की कास्टिंग हो चुकी है और इसका डिसेटरिंग हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पर डिसेटरिंग इसका हो रहा है और क्यूरिंग साथ साथ चल रहा है। तो क्यूरिंग, डिसेटरिंग और रिपेयरिंग, ये काम चल रहा है ब्लॉक डी में अभी। तो इसके बाद में ही यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कॉलम के ऊपर बोल्ट हैं, इसके ऊपर ही पीवी के वर्टिकल्स खड़े होंगे और बीम जो वाल हैं यहाँ पे देख रहे हैं, इन सभी पे पीवी के वाल्स खड़े होंगे। यहाँ पे चिनाई वर्क यानी ब्रिक वर्क नहीं होना है, टोटल पीवी वर्क होना है। तो ये वर्क जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देगा इस कंस्ट्रक्शन को। ये बिल्डिंग आप जो देख रहे हैं, ये अभी प्लिंथ बीम पे चल रहा है, ये 14 फ्लोर का बनना है और ये मात्र 15 महीने का प्रोजेक्ट है जिसमें 14 महीने का बिल्डिंग बनने वाला है। इसका डेली अपडेट आपको मिलता रहेगा कि किस ब्लॉक में क्या हो रहा है। तो अभी ये ब्लॉक डी का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो बाकी अपडेट्स के लिए आप लोग क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमसे और डेली का अपडेट लेते रहें। जो अपने इंडिया में पहला प्रोजेक्ट है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ से मिलती रहेगी। और ये चीज़ और, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये प्रोजेक्ट पहली बार इंडिया में लॉन्च किया है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो अपने यहाँ जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगा। मान के चलिए 15 महीने में ये 5 टावर A1, A2, B, C और D करके हैं, ये 14 फ्लोर के बनने हैं टोटल पीवी मटेरियल के। तो ये जो है, यहाँ से देखिए प्लेन भी ऊपर जा रही है, एयरपोर्ट इधर पास में है। तो ये काफ़ी तेज़ी से आपको जो है कंस्ट्रक्शन को काफ़ी आगे बढ़ाएगा। तो इसी पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसके डेली अपडेट को हम आपको देते रहेंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद।